अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन किया था। इस एक्सरसाइज के अंदर हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग। इवेंट्स हैपनिंग, द फर्स्ट इवेंट इज द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड, द सेकेंड इवेंट इज द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। मतलब हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स पड़ी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड। बिलाल उसमें से देखे बगैर एक स्वीट उठाता है। अब ये स्वीट अगर ऑरेंज फ्लेवर्ड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं कितनी होगी, और अगर वो स्वीट जो है वो लेमन फ्लेवर्ड है तो इसका भी आपने बताना है कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। जी, पहला पार्ट करते हैं। सिंस द बॉक्स कंटेन्स ओनली ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, सो द इवेंट ऑफ टेकिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट इज अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होता है जो 100% ही अकर हो। तो अब इसमें चूँकि सारी की सारी ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं, इसलिए जो भी वो स्वीट पिक करेगा वो लाजमी बात है ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी, तो इसलिए ये एक श्योर इवेंट है। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स इज 1। सेकेंड पार्ट है, सिंस द बॉक्स कंटेन्स ओनली ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, सो द इवेंट ऑफ टेकिंग लेमन फ्लेवर्ड स्वीट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब उस बॉक्स के अंदर सारी ही ऑरेंज फ्लेवर्ड हैं, उसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड हैं ही नहीं, तो लेमन फ्लेवर्ड पिक करना ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ये भी हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग लेमन फ्लेवर्ड स्वीट विल बी 0। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, द रिजल्ट्स इज इवेंट्स हैपनिंग, द फर्स्ट इज पाकिस्तान विंस एंड द सेकंड इज इंडिया डज नॉट लॉस। मतलब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक क्रिकेट मैच होता है जिसके इवेंट्स में है कि पहला इवेंट है पाकिस्तान विन करता है, दूसरा है कि इंडिया डज नॉट लॉस। तो इन दोनों की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं पाकिस्तान विंस। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट द पाकिस्तान विंस। तो इस इवेंट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा कि पाकिस्तान विन करता है, और जो टोटल आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट की वो टोटल 3 होंगी, पाकिस्तान विंस, पाकिस्तान लॉसेस, मैच टाइज। मतलब याद 3 ही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो पाकिस्तान जीत जाएगा या हार जाएगा या फिर मैच टाई हो जाएगा। टाई का मतलब बराबर हो जाना, मैच बराबर हो जाएगा। तो ये सैम्पल स्पेस के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इवेंट ए के अंदर ओनली 1 एलिमेंट है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस एस। तो ए के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज 3, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/3। सेकंड आपके पास पार्ट है, लेट बी बी द इवेंट दैट इंडिया डज नॉट लॉसेस, देन दिस इवेंट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, इंडिया विंस और मैच टाइज। टोटल आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट में भी 3 बनेंगी कि इंडिया विन करता है या इंडिया लॉस हो जाता है या मैच टाई हो जाता है। अब इसमें आप देखें कि इवेंट ये है कि इंडिया डज नॉट लॉस, इंडिया अगर लॉस नहीं करता तो फिर या तो इंडिया विन करेगा या फिर मैच टाई हो जाएगा। तो इस इवेंट के भी 2 एलिमेंट्स हैं और इसकी सैम्पल स्पेस में 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस एस। तो
तो यहाँ पर बी के अंदर टोटल टू एलिमेंट्स हैं तो इसीलिए टू लिखेंगे, सैम्पल स्पेस में थ्री एलिमेंट्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 बन जाएगी। इसी तरीके से आगे मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स, वन बॉल इज टेकन आउट, इवेंट्स हैपनिंग, फर्स्ट इज द बॉल इज ग्रीन एंड द सेकेंड इज द बॉल इज रेड। मतलब एक बॉक्स के अंदर 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, टोटल 8 हो गई। वन बॉल इज टेकन आउट, उसमें से एक बॉल निकालते हैं तो अगर वो बॉल ग्रीन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपने बतानी है, और अगर बॉल रेड है तो इसकी भी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल जो बॉल्स हैं वो 8 हैं। तो इसमें अगर हम टोटल बॉल्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस आपने बताने हैं 5+3, तो ये आपके पास 8 बन जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स ए बी द इवेंट दैट द बॉल इज ग्रीन। जो बॉल आपने पिक करनी है अगर वो ग्रीन है तो इस इवेंट में टोटल 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए विल बी 5, क्योंकि 5 ग्रीन बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ग्रीन बॉल्स आपके पास 5 है और टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स 8 है, तो 5/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट में। तो उसमें आप सपोज कर लेते हैं कि लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल इज रेड। हम सपोज कर लेते हैं कि बी जो बॉल आपने पिक करनी है वो रेड बॉल है, तो इस इवेंट को हमने बी का नाम दे दिया। तो फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, टोटल रेड बॉल्स आपके पास 3 है, तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस एस, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी आपके पास 3 है और टोटल बॉल्स हमारे पास 8 है, तो रेड बॉल के पिक करने की टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/8 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 times, एक सिक्के को 3 दफ़ा उछालते हैं, इट शोज इवेंट्स हैपनिंग, फर्स्ट इज वन टेल एंड द सेकेंड इज एट लीस्ट वन टेल। मतलब एक सिक्के को 3 दफ़ा उछालते हैं तो एक टेल आए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कम से कम एक टेल आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इस तरह जो आप प्रोबेबिलिटी होती है सिक्के की, इसकी टोटल आउटकम्स बनाने का तरीका ये मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक दफ़ा आपने एच लिखना है, एक दफ़ा टी लिखना है, एक दफ़ा एच, एक दफ़ा टी। तो इसी तरह दूसरी तरफ आपने 2 times एच राइट करना है और 2 times टेल, पहली दफ़ा एक एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा दो दो दफ़ा, और इसी तरह तीसरी दफ़ा में आपने 4 4 दफ़ा लिखना है, 4 दफ़ा पहले आप एच लिखेंगे फिर आप 4 दफ़ा टी लिखेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 8 आउटकम्स बन जाती हैं। अब ये कैसे पता चला कि इनको 8 दफ़ा लिखना है, तो इसका तरीका ये है कि 2^3 करेंगे तो 8 बनेगा, अगर 4 times आप करते तो फिर 2^4 ले लेते। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 times देन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो ये सारी इसकी टोटल आउटकम्स बन जाएंगी, टोटल 8 है ये, तो इनको आप सैम्पल स्पेस में लिख लें। जी जी, हमारे पास टोटल आउटकम्स आ गई, मतलब सैम्पल स्पेस बन गई, इसमें 8 एलिमेंट हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ ए इज़ द इवेंट दैट ओनली वन टेल इज अपेयर्ड, अब इसमें आप वो वाली आउटकम्स पिक करें जिनमें सिर्फ एक दफ़ा टी आया हुआ है, एक दफ़ा टेल आई हुई है, तो वो टोटल हमारे पास 3 ऐसी आउटकम्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक टेल है। तो इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एस, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं ए के अंदर
और टोटल सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी 3/8 बन गई। सेकंड उसने कहा था कि इफ बी इज द इवेंट दैट एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल हो, ज़्यादा जितनी मर्जी हो, तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक आउटकम नहीं आएगी जिसमें तीनों हेड्स थे, क्योंकि उसमें एक भी टेल नहीं थी, बाकी सातों की सातों आउटकम्स इस इवेंट के अंदर आ जाएंगी। तो एटलीस्ट वन टेल में टोटल 7 आउटकम्स हैं, तो इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी आपके पास 7 आ जाएगा और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस आपके पास 8 है, तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी जी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को आप रोल करते हैं जो लूडो वाली डाई होती है, द टॉप शोज इवेंट्स हैपनिंग, 3 or 4 डॉट्स आपको अपेयर होते हैं टॉप पे, या फिर दूसरा इवेंट है कि डॉट्स अपीयर्ड, जो डॉट्स आपको अपीयर होते हैं वो लेस देन 5 है। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, इन दोनों इवेंट्स की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो व्हेन अ डाई इज रोल्ड देन ऑल द पॉसिबल आउटकम